हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीटी लाइव। आज मैं आपके साथ एक और सॉन्ग को रिव्यू करने वाली हूँ और उस पर अपना रिएक्शन दूंगी। आई होप अगर आप लोगों ने वो सॉन्ग सुना हो तो मैं उसके दो वर्जन को रिएक्ट करूंगी। एक है ओरिजिनल वर्जन ऑफ गुल्ली मता, जिसको श्रेया घोषाल ने भी गाया है, एंड एक है जलराज का, जो उन लोगों ने रिक्रिएट किया है गुल्ली मता। सो लेट्स सी दोनों सॉन्ग कैसे हैं। पहले आई विल लिसन टू जलराज का गुल्ली मता, लेट्स सी वो कैसे उन्होंने रिक्रिएट किया है, फिर उसके बाद ओरिजिनल। एंड आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, एंड मैं अपना रिएक्शन देख के आपको ज़रूर बताऊंगी कि मुझे कौन सा सॉन्ग अच्छा लगा या मुझे दोनों ही अच्छे लगे। लेट्स चेक आउट दोनों के वीडियोज़ एक साथ देखते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगी विद जलराज। उनका सॉन्ग बहुत ऑसम है, आई हैव हर्ड इट। मुझे जलराज पसंद है, उन लोग के सॉन्ग्स जब वो रिक्रिएट करते हैं तो काफ़ी अच्छा है। मैं पर्सनली उनके सॉन्ग्स के लिए वेट करती हूँ कि कैसे रिक्रिएट करने वाले। आई वॉज वेटिंग कि वो क्या करने वाले हैं इसके साथ। वाओ, न्यू लिरिक्स। वैसे इनका जो लिरिक्स जो इन्होंने रिक्रिएट किए हैं, सॉन्ग के ओरिजिनल सॉन्ग के ट्यून के साथ परफेक्टली मैच कर रहे हैं। मुझको तू भी दुए जैसे बरसात आया। सो नाउ वी विल लिसन टू ओरिजिनल गुल्ली मता और हम लोग देन कंपेयर करेंगे कि किसका बेटर है, जलराज का या सैड श्रेया का। So let's check out this one too. Renowned throughout the land for her unmatched beauty. However, she was trapped in a life she did not choose. Her father arranged for her to marry the prince of a neighboring kingdom in order to strengthen the alliance between the two nations. But the princess was in love with Zod, the commoner who lived around the castle walls. As the night of the wedding drew near, Jennifer sat in her chambers, waiting anxiously for Zod to come and rescue her from the palace. Oh, my God.
गानों के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऑब्वियसली जो ओरिजिनल सॉन्ग है जिसको श्रेया घोषाल और साध ने गाया है वो ओरिजिनल ही होता है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा बेटर है कंपेयर टू दी जलराज वर्जन. बट आई वुड से जलराज ने जो रिक्रिएट किया है विथ न्यू लिरिक्स जो उन्होंने ऐड किए हैं और जो म्यूजिक के साथ कितने प्रॉपर तरीके से सिंग कर रहा है वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है. सो इफ आई वुड हैव टू रेट बोथ द सॉन्ग्स, तो ओरिजिनल को तो मैं 5 out of 5 दूंगी, बट डेफिनेटली जो जलराज का है उसमें एक पॉइंट कम दूंगी क्योंकि वहाँ पे श्रेया घोषाल की जो वॉइस है ना, जो इतनी सूदिंग सी वॉइस है, उस तरह की एक फीमेल वॉइस वहाँ पे मिस करती है. दैट्स वाई ये सॉन्ग परफेक्ट लगता है. और खासकर इसके विजुअल्स जब आप देखते हो, ये जो पेयर किया गया है जेनिफर विंगेट को इसके साथ के साथ, देन आई थिंक ये पेयर और स्टोरी लाइन भी काफ़ी देखने में अच्छी लगती है बिकॉज वो बहुत अच्छे से मूवी का एक क्रिएशन हुआ है और डायरेक्टर ने भी इसको अच्छे से डायरेक्ट किया है. तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में और सॉन्ग सुनने में. श्रेया घोषाल की आवाज़ ऐसी है कि साध की जो वॉइस है उसके बीच में जब उसकी वॉइस आती है इतनी सूदिंग है, इतनी अच्छी लगती है, मेलेडियस लगती है. और साथ में यही चीज़ जो वन पॉइंट आई हैव डिडक्टेड फ्रॉम जलराज वो इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर एक सूदिंग वॉइस जो फीमेल वॉइस होती है जैसे श्रेया घोषाल की है वो मिसिंग है उस सॉन्ग में. सो दैट्स द रीज़न. वेयर एज वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा है डेफिनेटली. लिरिक्स भी उन्होंने जो रिक्रिएट किए हैं वो भी डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं. सो हे फॉर टुडे, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बी टी लाइव एंड थम्स अप फॉर ऑल द